राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में दो दिनों में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। इस बैठक में सामाजिक समरसता, गौ सेवा और साल 2025 के स्वर्ण शताब्दी वर्ष में हर गांव तक पहुंच बनाने पर चर्चा की गई। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। आरएसएस की साल की तीन बड़ी बैठकों में से तीसरी बैठक यानी अखिल भारतीय समन्वय बैठक का समापन हो गया। बैठक में संघ की छह गतिविधियों सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास, गौ सेवा, धर्म जागरण और पर्यावरण पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विभिन्न गतिविधियों को विस्तार देते हुए अगले तीन सालों में अंदरूनी गांवों की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक पहुंचेगा। संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में बताया गया कि संघ एक कुआ एक शमशान अभियान को आगे बढ़ाएगा। बैठक में राष्ट्रीय एकता पर चर्चा हुई। संघ की निगाहें अपने अनुषांगिक संगठनों के जरिए उन वर्गों में प्रभाव बढ़ाने की है जहां उसकी पहुंच कम है। इसी क्रम में मलिन बस्तियों में पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की गई है। संघ की योजना अपने स्वर्ण शताब्दी वर्ष में सनातन धर्म से जुड़े सभी वर्गों में अपनी पहुंच बनाने की है। वही बैठक में गौ सेवा पर लंबा विचार विमर्श हुआ। इस दौरान गांवों में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े आर्थिक पक्ष को सामने लाने पर सहमति बनी। संघ के सूत्र के मुताबिक गौ उत्पाद की मांग बढ़ने की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं है। आज गौमूत्र, गाय का घी, गोबर उपलों की भारी मांग है। ग्रामीण क्षेत्र इससे जुड़े बाजार से परिचित नहीं है। ऐसे में तय किया गया कि गोपालन को बढ़ावा देने के लिए गो उत्पाद से जुड़े बाजार विकसित करने और खासकर देसी गाय पालन को वरीयता देने के लिए जन जागरण की योजना बनाई गई है। संघ की बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बाले मौजूद रहे। साथ ही संघ के 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल रहे। रायपुर के श्री जैनम भवन में हुई बैठक में जीवन के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। साथ ही संघ ने ग्राम विकास के तहत अपनी शताब्दी वर्ष 2025 तक ग्रामीण स्तर पर विकास कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संघ की गतिविधियों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। एक राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे 36 संगठन धीरे धीरे हुए हैं जो अखिल भारत स्तर पर काम करते हैं। इनके क्षेत्र अलग हैं, छात्र क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सहकारिता में, वैज्ञानिकों में, कलाकारों में, सहकार ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और समाज के अनेक नए लोगों से इनका संपर्क होता है, मिलना होता है। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। यह कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से ही मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं। कुछ विचार की दिशा लेकर अवश्य जाते यहाँ से, लेकिन सारे निर्णय अपने अपने संगठन के फोरम पर इनके होते हैं। बहरहाल संघ पूरी तरह से अपने शताब्दी वर्ष के समारोह को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। संघ उन मुद्दों पर पहले भी बैठक में चर्चा कर चुका है जहां संघ का प्रभाव कम है। ऐसे में संघ की आगे की रणनीति इसी पर फोकस करेगी कि जमीनी स्तर तक संघ को कैसे पहुंचाया जाए। डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।